नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश शर्मा और ये है मेरे जावास्क्रिप्ट सीरीज की अगली वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो हमने लास्ट सीरीज में डिस्कस करनी थी लेकिन समहाउ वो नहीं कर पाए। लेकिन सबसे पहले आप सभी को 72वें इंडियन गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आई एम रियली सॉरी बिकॉज जो मेरा लास्ट वीडियो आया था जब हमने जावास्क्रिप्ट का एग्जीबिशन पढ़ा था तो उसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो ये वीडियो आई होपफुली मेरे को पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल रीजंस के चलते आई वॉज बिजी समवेयर, बट नो वरीज आई एम बैक। और इस वीडियो में बेसिकली हम चार चीज़ें कवर करेंगे। नंबर वन, वॉट इज जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस बिहेवियर एंड सिंगल थ्रेडेड बिहेवियर। ओके, बिकॉज पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस एंड सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, सो व्हाट इज इट, ये क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी चीज हम जानेंगे अनडिफाइंड के बारे में कि वेरिएबल अनडिफाइंड ये एक्चुअली है क्या, और डिफाइंड वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। और तीसरी चीज हम जानेंगे वो होगी स्कोपिंग के बारे में कि एक वेरिएबल की पहुंच कहां तक हो सकती है। हालांकि मेरे लास्ट एग्जांपल से आपको थोड़ी बहुत अभी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, लेकिन वो सारे रिमेनिंग टॉपिक्स स्कोपिंग के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और नंबर फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। डिफरेंस बाद में, लेकिन हम पहले ये जानेंगे लेट और कॉन्स्ट एक्चुअली में है क्या। मैं ओवरव्यू के लिए लेट और कॉन्स्ट ये वेरिएबल को डिफाइन करने का एक और तरीका है अदर देन वेर कीवर्ड। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, और हाँ ये लेट एंड कॉन्स्ट का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो इस टॉपिक को मैं इसके आने वाली तुरंत वीडियो में, अगली वीडियो में इसको कवर करूंगा। फिलहाल इनसे पहले की तीन चीजें हम लोग यहां कवर करेंगे। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में सभी यूट्यूबर बोलते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे मॉनिटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के सिंगल थ्रेडेड बिहेवियर की। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लाइन बाय लाइन प्रोसेस होता है, यानी कि मेरे इस प्रोग्राम में पहले लाइन नंबर 10 प्रोसेस होगी, देन लाइन नंबर 11, देन लाइन नंबर 2 जो कि एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, और उसके बाद लाइन नंबर 20 और फिर 21। अगर आप फर्ज करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये डबल फाइव मेरा फंक्शन है, जो ये डबल फंक्शन है, इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ 5, ऑफ कोर्स ये मेरा फंक्शन मुझे अपने आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लाई बाय 2 रिटर्न कर देगा, यानी कि ये पूरा फंक्शन मेरा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 रिटर्न करेगा, और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही टाइम पे चल सकते हैं क्या, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ने इस प्रोग्राम, इस लाइन को कंपाइल किया होगा, देन इस लाइन को वेर A20 को, देन इस फंक्शन एक्सप्रेशन को देखा होगा, देन लाइन नंबर 20 उसने प्रोसेस की होगी, देन लाइन नंबर 21 उसने प्रोसेस किया होगा। तो इस कंडीशन में सवाल ही पैदा नहीं कि डबल फंक्शन 5 आर्ग्यूमेंट के साथ और डबल फंक्शन 10 आर्ग्यूमेंट के साथ एक ही टाइम पे चल जाएं। तो इसी को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का सिंगल थ्रेडेड, क्योंकि ये एक ही थ्रेड में चल रहा है पूरा प्रोग्राम। कभी कभार जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। ओके, क्योंकि कई बार हमें अपने सॉफ्टवेयर में या फिर अपने प्रोग्राम में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग कि हमें ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं या अचीव करनी पड़ती हैं जहाँ पे हमारे दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एक साथ चलें। तो ये जावा में ऑफ कोर्स पॉसिबल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज ए सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। आई होप इट मेक्स सेंस। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज सिंक्रोनस बिहेवियर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के सिंक्रोनस बिहेवियर की। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कभी किसी का वेट नहीं करता। जावास्क्रिप्ट कोड
लाइन बाय लाइन चीज़ों को कंपाइल करता है। जैसे यहाँ पर लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा जंप करेगा लाइन नंबर 11 पे, वो देखेगा फिर लाइन नंबर 12 को, फंक्शन एक्सप्रेशन देखने के बाद वो सीधा जंप करेगा 20 पे, कॉलिंग हो रहा है यहाँ पे डबल फंक्शन, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा हमारे इस फंक्शन को लाइन नंबर 13 को, फिर वो देखेगा देन लाइन नंबर 16 को, 17 को, 18 को। सो इट मीन्स अगर किसी लाइन पे लेट सपोज कैलकुलेशन करने में कुछ टाइम लग रहा है या फिर रिजल्ट लाने में टाइम लग रहा है तो वो उस लाइन पे वेट नहीं करेगा, वो इंस्टेंटली जंप कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन जो कि लाइन नंबर 10 है मेरे इस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा जंप करेगा इस 11 नंबर की लाइन पे जहाँ पे है हमारा वेरिएबल ए। फर्ज कीजिए फॉर अ सेकेंड अगर यहाँ पे 20 ना हो के हमारा कोई हमने कैलकुलेशन की होती, लेट सपोज कोई हमारा फंक्शन यहाँ पे होता सपोज कॉल, और ये कॉल फंक्शन अगर मैं यहां बनाता हूं और इस कॉल फंक्शन के अंदर सपोज कोई हमें वैल्यू रिटर्न हो रही है लेट सपोज ए या लेट सपोज एक्स, ओके, लेकिन इस एक्स की वैल्यू आ रही है ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के बाद, लेट सपोज कि 100 लाइन ऑफ कोड के बाद, ओके, या फिर मे बी इससे भी ज्यादा, ओके। तो कहने का मतलब ये है अगर वो लाइन नंबर जब भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम चलेगा तो लाइन नंबर 10 हमारे इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लाइन नंबर 10 पे एग्जीक्यूट होगी, देन लाइन नंबर 11 जहाँ पे कॉल मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है, और ये कॉल मेथड प्रोबेबली इस एक्स को रिटर्न करने के लिए काफ़ी टाइम लगा देगा क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड ऑफ लाइन्स का कोड है, ओके। तो अगर किसी चीज़ में जावास्क्रिप्ट को किसी भी लाइन ऑफ कोड पे थोड़ा सा भी टाइम लगता है तो वो उसको तुरंत स्किप कर देता है, लेकिन वो रिजल्ट लाना नहीं भूलता। अगर वो इसको स्किप करके वो सीधा यहाँ पे लाइन नंबर 24 को एग्जीक्यूट करेगा तो इसका मतलब जब इसकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी तो वो तुरंत ही आपके प्रोग्राम के बीच में इस लाइन को प्रोसेस कर देगा, ओके। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जावा स्क्रिप्ट वेट्स फॉर नन, जावास्क्रिप्ट किसी का भी वेट नहीं करता। अगर किसी भी लाइन पे या किसी भी कोड में जावास्क्रिप्ट को प्रोसेस करने में टाइम लगता है तो वो उसको इंस्टेंटली स्किप करके अगली लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस बिहेवियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनस बिहेवियर तो चलो ये हुआ, लेकिन अगर हमें कोई चीज चाहिए उसी टाइम, हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट पहले वो रिजल्ट ही ले आए तब हमारी नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करे, ओके, देन उसके लिए क्या, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज तो है लेकिन जावास्क्रिप्ट के पास अपने कुछ एसिंक्रोनस मेथड भी हैं। लेट सपोज अगर आपने एजेक्स का नाम सुना है, ओके, लेकिन इस टॉपिक को मैं बाद में कवर करूंगा, और यहां पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट JavaScript is a synchronous language naturally by default, okay? हालांकि हम इसमें asynchronous feature भी adopt कर सकते हैं, लेकिन जब मैं asynchronous features आपको बताऊंगा तब आप आसानी से correlate कर पाएंगे synchronous और asynchronous behavior के बीच में। अगर आपको ये topic यानी synchronous का अभी भी समझ में नहीं आया तो it's totally okay, because being as a fresher मैं expect नहीं करता कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन जब मैं एसिंक्रोनस के बारे में बताऊंगा तब आपको टोटली सेंस करेगा। लेकिन इन वन लाइनर सिंक्रोनस बिहेवियर वो है जहां पर जावास्क्रिप्ट किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करते समय वेट नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन चीज़ों को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता जाता है। अगर किसी लाइन ऑफ कोड में टाइम लग रहा है तो वो उसको इंस्टेंटली स्किप कर देता है, और जब तक उस लाइन का रिजल्ट रेडी होता है तो आपके प्रोग्राम के बीच में जब वो प्रोसेस कर रहा होता है तो वहां पर रिजल्ट दिखा देता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो दिस इज सिंक्रोनस, ओके। सो डोंट वरी इफ माई टॉक नॉन सेंस, अगर मेरी बातों ने सेंस नहीं किया है तो वेट फॉर माई ए सिंक्रोनस लेसन, तो जब मैं उसको कवर करूंगा तो आपको डेफिनेटली वो चीजें समझ में आएंगी, ओके। तो चलिए
अब चीजों को मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को बताने के लिए मैं फिलहाल अपने इस पूरे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को नए सिरे से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज अभी के लिए कोई वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल ए, और इसकी मैं वैल्यू कुछ नहीं देता, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है मैंने, वैल्यू इसकी कुछ नहीं दी है, और साथ ही साथ मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम होता है टेस्ट। ओके, फंक्शन नेम डजंट मैटर, फंक्शन का नाम मैटर नहीं करता, आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक टेस्ट, टेस्ट ए, टेस्ट वी, या पिज्जा, यूनिकॉर्न, कुछ भी, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस टेस्ट के अंदर मैं इस ए वेरिएबल को वैल्यू देता हूँ, लेट सपोज 12, फाइन। और आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने अभी अपने सारे एग्जाम में कंसोल लॉग का इस्तेमाल किया है कंसोल पे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इस बार कंसोल का यूज़ नहीं करूँगा, कोई नई चीज़ यूज़ करूँगा, तो मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है जिसका जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था। ओके, तो डॉक्यूमेंट रेफर करता है इस करंट डॉक्यूमेंट को, यानी हमारे वेब पेज को। अभी हमारे इस वेब पेज में कुछ भी नहीं है, ओके, सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड ही है। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कराने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ता था, हमें इंस्पेक्ट में जाके यहाँ कंसोल नाम के सेक्शन में वैल्यू देखनी पड़ती थी इधर, लेकिन अब मैं यहाँ पे ना जाके सीधा वैल्यू प्रिंट कराऊंगा अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे वैल्यू अगर मैं इसकी प्रिंट कराता हूँ ए, फाइन, और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं इस फंक्शन के बाहर भी प्रिंट कराता हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब इस प्रोग्राम को सेव करके आउटपुट जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर नोटिस हमें वैल्यू मिली है अनडिफाइंड। ओके, सो वैल्यू हमें मिली है अनडिफाइंड। क्या आप बता सकते हैं कि जो अनडिफाइंड हमें वैल्यू मिली है वो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट हुआ है या फिर ये वाला? मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक हम इस टेस्ट फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी ये वाला प्रिंट हुआ है, फाइन, क्योंकि होस्टिंग कॉन्सेप्ट में, ऑफकोर्स अगर आपने होस्टिंग वाला वीडियो मेरा ध्यान से देखा होगा, तो इस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में सबसे पहले होस्टिंग हुई होगी वेरिएबल की और फंक्शन की। जब फंक्शन की होस्टिंग होती है तो उसके पास होता है सिंपल कोड, लेकिन जब वेरिएबल की होस्टिंग होती है तो उसके पास होता है वेरिएबल का नाम और उसकी इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं है, इवन अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ होती भी, तब भी होस्टिंग के टाइम पे जावास्क्रिप्ट अपने सभी वेरिएबल्स को एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है और वो होती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक स्पेशल कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में जो होस्टिंग के टाइम पे वेरिएबल को दे दी जाती है, यानी कि वेरिएबल ए डिक्लेयर हो चुका है लेकिन डिफाइन नहीं हुआ है। सो दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसको हमने डिफाइन करा कहाँ पे, इस टेस्ट नाम के फंक्शन के अंदर, लेकिन ये तो हमने कॉल ही नहीं किया, तो इसका मतलब मेरे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना कोड तो कभी चलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसको कराया है, ए को, और ए की वैल्यू क्या थी, वो थी अनडिफाइंड। ओके, अगर मैं इस वैल्यू को कर देता हूँ 10 या फिर इसको प्रोबेबली कर देता हूँ 23, अगर मैं इसको कंट्रोल एस देन रिफ्रेश, लुक 23। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अनडिफाइंड एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में जो होस्टिंग के टाइम पे, ओके, जो होस्टिंग के टाइम पे वेरिएबल्स को दे दिया जाता है और जब आपके प्रोग्राम में वो वेरिएबल एक बार डिफाइन हो जाता है, उसको वैल्यू दे दी जाती है, तो वो अनडिफाइंड न रह के उसके पास लेटेस्ट वैल्यू आ जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इस ए में अनडिफाइंड था, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट ने इस पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया तो उसे शुरू में ही ए की वैल्यू 23 मिल गई, तो उसने अनडिफाइंड को ओवरराइड करके कर दिया 23। मेक सेंस?
चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी आने वाले प्रोग्राम में हम इन चीज़ों का कई बार इस्तेमाल करेंगे, तो जिसमें आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, आई गारंटेड। ओके, तो चलिए बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी क्वेश्चंस के बारे में, स्कोप के बारे में। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी से बात करते हैं स्कोप के बारे में कि ये स्कोप है क्या। तो स्कोप एक्चुअली में किसी भी वेरिएबल को ये बताता है कि उस वेरिएबल की पहुंच कहां तक है, कहां तक हम उस वेरिएबल को डीप इनसाइड यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज्ड? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज कि आपका घर 3 स्टोरी का है, यानी 3 फ्लोर का है, और आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। अब हुआ क्या कि कभी आपको कोई भी चीज़ रिपेयर करने के लिए या खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी, तो आपने देखा कि हाँ मेरे इस फ्लोर पे पड़ा है स्क्रू ड्राइवर, तो आपने फटाक से यूज़ कर लिया। लेट सपोज अगर नहीं पड़ा तो आप उसे दूसरे फ्लोर पे ढूंढेंगे, अगर वहाँ पे मिल गया सो दैट इज़ ओके, तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। अगर इनकेस तीसरी कंडीशन में आपको वहाँ पर भी नहीं मिला तो आप उसे फिर ग्राउंड फ्लोर पर ढूंढने जाएंगे, तो आपको अगर मिल गया तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द स्कोप एक्चुअली। स्टिल कंफ्यूज? नो वरीज, वापस आते हैं अपने कोड की तरफ और मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों स्कोप का प्रोग्राम समझने के लिए या स्कोप का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं इस प्रोग्राम को करूंगा थोड़ा सा चेंज। तो मैं इस अपने कोड एडिटर पे जितना भी मेरा प्रीवियस कोड है मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, एक नए सिरे से स्कोप का एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ, लेट सपोज ए, जिसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 20, फाइन। और उसके बाद अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ, लेट सपोज मेरे फंक्शन का नाम है फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है। ओके, और इस फर्स्ट फंक्शन को मैं साथ के साथ कॉल भी कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी काम करूँ उसका रिजल्ट मेरे को यहाँ जब मैं कॉल करूँ तो वो दिख जाए। तो फिलहाल के लिए मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराता हूं ए की, तो शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ऑफ कोर्स 20 जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। ओके, लेकिन अगर यहां पर मैं अपने इस वेरिएबल की वैल्यू ए को बदलकर 30 कर देता हूं, ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं अब इस ए की वैल्यू क्या होगी, 20 या फिर 30, तो ऑफ कोर्स 30, फाइन। हमने यहां पर ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया है और अगर मैं इस वैल्यू को हटा देता हूं तो वापस मुझे वैल्यू रिसीव होगी 20। तो दोस्तों लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि यहां पर स्कोप में हमारे पास 2 तरह के स्कोप होते हैं। पहला होता है ग्लोबल स्कोप और दूसरा होता है हमारे पास लोकल स्कोप। इस प्रोग्राम में सबसे पहले जब मैंने यहां पर वेरिएबल ए को राइट कराया तो मुझे यहां 20 रिसीव हुआ। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ने लोकली इस वेरिएबल को ढूंढा। अब लोकल में ये वेरिएबल कहीं नहीं था, ये था इससे एक स्टेप ऊपर, यानी इस फंक्शन के बाहर, जो कि है हमारा वेरिएबल ए। तो ये है हमारे इस प्रोग्राम का ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा फंक्शन यहां पर बनाता हूं फर्स्ट फंक्शन के अंदर, जिसका नाम मैं रख देता हूं सेकंड, और इस सेकंड के अंदर अगर मैं कराता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं प्रिंट कराता हूँ ए को, लेकिन अब इसको राइट कराने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे कॉल करा देता हूँ इस फंक्शन को इस तरह से, ओके, तो चलिए अब इस प्रोग्राम का आउटपुट हम देखते हैं, 20 and 20। तो ऑफकोर्स पहला 20 प्रिंट हुआ ये और दूसरा 20 प्रिंट हुआ ये। अब अगेन यहाँ जब सेकंड फंक्शन में हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी ए वेरिएबल प्रिंट हुआ, तो सबसे पहले इसने ए वेरिएबल को लोकली ढूंढा, लोकली मतलब सेकंड के अंदर विद इन दिस फंक्शन।
अब इसके अंदर नहीं मिला तो ये एक स्टेप जंप करके अब इसने अपने पेरेंट स्कोप में यानी फर्स्ट फंक्शन के अंदर ढूंढा, वहां पर भी नहीं मिला, ठीक है। और उसके बाद इसने ढूंढा ग्लोबल में, ग्लोबल में इसको मिल गया, ओके। तो ग्लोबल में जब मिला तो उसने वही वैल्यू यहां प्रिंट करा दी। तो दोस्तों स्कोप का फंडा सिर्फ इतना ही है, ओके। अगर मैं यहां पर ए की वैल्यू 50 कर देता हूं फॉर नाउ, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट वुड बी द आउटपुट 2050, ओके। तो फर्स्ट ने जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कराया, डॉक्यूमेंट पे ए की वैल्यू प्रिंट कराई, तो उसने अपनी लोकल स्कोप में ढूंढा, ओके। इसका लोकल स्कोप इस फर्स्ट फंक्शन के अंदर ही है, ओके। हालांकि इस फर्स्ट के अंदर में सेकंड फंक्शन बनाया है, तो ये इसका लोकल स्कोप नहीं है। लोकल स्कोप इस फंक्शन की बॉडी का, इस फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल है कि नहीं, इस फंक्शन का कोई भी वेरिएबल हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब उसके अंदर ए है या नहीं ये मैटर बिल्कुल नहीं करता, ओके। तो जब इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमें ए वेरिएबल नहीं मिला, तो इसने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा दी, यानी कि यहां पर प्रिंट करा दिया 20। और यहां पर जब हमने सेकंड फंक्शन को कॉल किया, तो उसने पहले अपने लोकल में देखा और लोकल में इसको डेफिनेटली मिल गया ए, लेकिन उसकी वैल्यू थी 50, ओके। तो इसने यहां पर 50 प्रिंट करा दिया, इसलिए आप यहां पर रिजल्ट में साफ देख सकते हैं कि 2050 इज द रिजल्ट, ओके। तो आप देखने वाली बात ये है कि अगर फिलहाल के लिए मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए को हटा देता हूँ, जो कि मैं फर्स्ट फंक्शन के अंदर कॉल करा रहा हूँ, और यहाँ पर इस ए को भी हटा देता हूँ, ओके। तो अब साइकिल समझिए, अब इसने जब सेकंड, हमने पहले वेरिएबल बनाया ए जिसकी वैल्यू मिली 20, फिर हमने एक आउटर वेरिएबल बनाया फर्स्ट, फिर उसके अंदर सेकेंड, ओके। तो देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन हमारा पेरेंट फंक्शन है सेकंड का, सेकंड इज अ चाइल्ड फंक्शन ऑफ फर्स्ट, क्योंकि सेकंड फर्स्ट के अंदर हमने बनाया है, ओके। तो सेकंड फंक्शन जब चला तो इसने ए वेरिएबल को अपने लोकल स्कोप में ढूंढा, यानी इस एरिया में, नहीं मिला। फिर इसने बाहर के फंक्शन में ढूंढा, यहां पर भी ए हमें वेरिएबल नहीं मिला। देन उसने बाहर ढूंढा तो तब उसे ए की वैल्यू मिल गई। सो दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, कि इसको हम यहां पर भी एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 20 ओके, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। तो यानी इस ए वेरिएबल को मैं दोनों जगह एक्सेस कर पा रहा हूं, ओके। तो यानी ग्लोबल वेरिएबल कि आप उसको विद इन योर होल प्रोग्राम, आप उसके पूरे प्रोग्राम में, आप अपने जावास्क्रिप्ट के पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ओके। और वहीं अगर मैं इस फंक्शन को कंट्रोल, अगर मैं इस वेरिएबल को अगर मैं यहाँ सेकंड के अंदर डिफाइन करता हूँ, ओके, और अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। लुक, ए इज नॉट डिफाइंड, ओके। सबसे पहले उसने जब फर्स्ट फंक्शन चलाया तो उसने ए को देखा, ए अब इस बॉडी के अंदर तो नहीं है। अब मैंने बोला था आपसे कि अगर अपने चाइल्ड के अंदर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके खुद के अंदर फर्स्ट के अंदर वो फंक्शन कहीं नहीं बना, वेरिएबल ए नाम का कहीं नहीं है, और इसके ग्लोबल स्कोप में भी नहीं है। तो इसने यहाँ पर हमें एरर दे दी कि ए इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद वो सेकंड पे गया ही नहीं, क्योंकि जहां पे जावास्क्रिप्ट के पास एरर आ जाती है वो बाकी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप कर देता है, ओके। तो वापस इसको मैं इसके ग्लोबल स्कोप में रख देता हूं, और यहां पर पहले ए को, ए सेकंड फंक्शन ने ए वेरिएबल को ढूंढा अपने स्कोप के अंदर, देन वो गया पेरेंट के अंदर, अगर पेरेंट में भी नहीं ला तब वो गया ग्लोबल अपने स्कोप के अंदर। तो इसको बोलते हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो दोस्तों जैसे ही मैंने बोला लेक्सिकल एनवायरनमेंट, तो आप इसको प्लीज कहीं पे नोट कर लेना, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे जरूरी नहीं कि हर बार, लेकिन कहीं कहीं पे ये इंटरव्यूअर द्वारा एक किसी कैंडिडेट से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज लेक्सिकल स्कोपिंग या व्हाट इज लेक्सिकल। तो जहां पर भी लेक्सिकल शब्द आए तो आप बिल्कुल समझ जाना कि वो एक जो पेरेंट टू चाइल्ड की साइकिल है वो
उसको उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे स्कोप में देखा जाए तो पहले ए वेरिएबल ढूंढा गया विद इन सेकेंड फंक्शन में, फिर उसके बाद विद इन फर्स्ट में, तब उसके पास ग्लोब पे गया। तो देखा जाए तो वो चाइल्ड से चीजें लेने के लिए या वैल्यू को गेट करने के लिए अपने स्कोप से बाहर निकलकर, एक स्टेप बाहर निकलकर पहले पेरेंट की तरफ फिर ग्लोबल की तरफ जा रहा है। तो वो अपने लेक्सिकल इन्वायरमेंट में ट्रैवल कर रहा है अगर देखा जाए तो इसी को बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। ओके, सो प्लीज नोट इट। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आई थिंक काफी लेंथी हो चुका है, और इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगी लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। ओके, जो वेरिएबल डिफाइन करने का एक नया तरीका है, उसकी होस्टिंग भी वेर से थोड़ी अलग है। तो वेल, वो हम जानेंगे इसके बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, लेकिन अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। अब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो लिटरली में पसंद आया होगा। इसकी अगली तुरंत वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कवर करने वाला हूं। जी हाँ, लेट और कॉन्स्ट के बारे में, क्योंकि इनके होस्टिंग का तरीका वेर से, वेर कीवर्ड के वेरिएबल से थोड़ा अलग है, और ये अपने आप में सुपर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में जनरली पूछे जाने वाले सवालों का, जो इंटरव्यूज में एक्चुअली में पूछे जाते हैं। ओके, सो ECMAScript 15 का ये फीचर है, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इंटरव्यू परस्पेक्टिव के हिसाब से दिस इज सुपर एंड सुपर इम्पोर्टेंट। अगर आप 5 जगह इंटरव्यू दोगे तो 4 जगह आई होप, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज की है, तो प्रोबेबली आपको पूछा ही जाएगा। सो डोंट मिस टू माई नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट। बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।